एवरीवन, वेलकम टू प्रेडिक्ट प्लस। चलिए आज की वीडियो हम लोग बजट डे के दिन, कल आप सबको पता है कि बजट डे आने वाला है, तो बजट के दिन हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे वो इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा वही मैं कल करने वाला हूँ। जो हमारा मेंटरशिप का लाइव सेशन होता है उसमें मैं वही स्ट्रैटेजी करूंगा, शाम को वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, राइट। दूसरी चीज की जो भी स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा वो पूरे प्रायर डेटा के ऊपर शेयर करूंगा कि लास्ट 3 से 4 साल में मार्केट किस तरह से मूव किया है, किस तरह से विक्स ने मूव किया है, उसके ऊपर मैं जो भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर डेटा के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट कि आपको समझ में आ सके कि मैं एक्चुअली मैं इस स्ट्रैटेजी में आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ। और देखिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी में आपके साथ शेयर करूंगा, सिंपल स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करती है शेयर मार्केट में वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट बेस्ड ऑन डेटा कि आपको डेटा को समझ के किस तरह से ट्रेड करना है वो आपको समझना जरूरी है, राइट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना है, देखिए 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 60 डेज जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, जो इंट्राडे की स्ट्रैटेजी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एल्गो पे काम करने वाला हूँ, उसमें मैंने एक राकेश जी हैं और भी 2-3 लोग हैं, एक राकेश जी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी आपने शेयर किया हुआ है, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि उसमें मैंने वो एक लाइन थी जो उसमें एक्चुअली एडिटिंग के टाइम पे कट गई, वो वीडियो में वो चीज़ ऐड करना है और वो मैं ऐड कर दूंगा, एक्चुअली उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो एडिट करके लिख दूंगा, जो भी कंटेंट लिखना है वो मैं लिख दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है कि वो 2000 रुपीज़ का जो लॉस की वाली बात आपने पूछी थी, बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था कि 2000 रुपीज़ का लॉस तो हाई विक्स, मतलब अगर प्रीमियम हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, वो 2000 का लॉस सिर्फ आपको तभी रखना है जब विक्स मतलब विक्स एक्सट्रीमली लो है और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, मतलब वो 2000 रुपीज़ का लॉस आप एक्सपायरी वाले दिन रख सकते हैं या फिर जब विक्स अल्ट्रा लो है 14-13 के नीचे है तभी आपको वो 2000 रुपीज़ का लॉस रखना है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा 2018-19 में आपको कभी भी लॉस नहीं हुआ था, वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे विक्स काफ़ी कम थी, जब विक्स में विक्स बढ़ी तो उसके बाद वो स्ट्रैटेजी में आपको 1-2 मंथ में लॉस दिखा है, तो इसका मैं अपडेट दे दूँ कि अगर जब विक्स हाई हो मतलब प्रीमियम हाई हो तो आपको वहाँ पे 2000 की जगह पे 4000 रुपीज़ पर लॉट का लॉस रखना है, राइट। तो ये अगर आप वहाँ पे एक चेंज कर देंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलने लगेगा, और जो आपके डाउट था कि वो 2000 रुपीज़ का लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, तो अभी जो आपका डाउट है वो आई गेस आपका वो डाउट अब दूर हो गया होगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं एक्चुअली एक्सेल शीट बनाऊंगा, उसका एक्सेल शीट टेलीग्राम में डाल दूंगा, वो मैंने एक्सेल शीट इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक्सेल शीट अभी इनकम्प्लीट है, वो पूरी एक्सेल शीट कम्प्लीट नहीं है, उसमें मुझे अभी कुछ डेटा चेंज करना है, तो वो मैं चेंज करके वो एक्सेल शीट भी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट चीज़ की हाँ, मेंटोरशिप आपका 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और उसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, राइट। चलिए अब चलते हैं, और वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि अच्छा आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ और भी रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मैं यूजली स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ और उस पर रिसर्च करता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस मार्केट कंडीशन में ज़्यादा चलती है, तो वो आपके लाइक से मुझे समझ में आता है कि अच्छा आप मेरा काम पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी अपनी तरफ से थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समस्या सारी चीज़ें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और लास्ट 3 से 4 दिन में मार्केट ह्यूजली वोलेटाइल था, आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं यहाँ पे 1 आवर की कैंडल लगा देता हूँ, एक्चुअली 5 मिनट्स की कैंडल में आपको सारी चीज़ें दिखा पाऊंगा। कल मार्केट आपको यहाँ पे दिखेगा ह्यूजली वोलेटाइल था, मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में कितने पॉइंट्स अराउंड आपका 1100 पॉइंट्स के आसपास मूव किया फर्स्ट 15 मिनट्स में, एंड देन नेक्स्ट 2 आवर्स में मार्केट ने फिर से 1400 पॉइंट्स के आसपास का मूव किया, एंड देन नेक्स्ट टू आवर्स में फिर से मार्केट ने 1200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। तो ये कुछ इस तरह की मार्केट में मूवमेंट थी, इतना ह्यूजली वॉलेटाइल मार्केट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम, अपने जो ट्रेडिंग मेरी जर्नी है उसमें बहुत कम बार देखा है कि मार्केट 15 मिनट में 1200-1300 पॉइंट मूव करे, फिर नेक्स्ट 2 घंटे में फिर से 1600-1700 पॉइंट मूव करे, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर से मार्केट 1500 पॉइंट मूव करे। तो इस तरह का मार्केट बहुत टफ है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या इवन पोजिशनल ट्रेडर हैं
तो भी ये इस तरह का मार्केट बहुत टफ है आपके ट्रेडिंग करने के लिए। आज कंपेरेटिवली मार्केट थोड़ा इजी था, साइडवेज बुलिश साइडवेज आपको मार्केट दिखा होगा, राइट? तो अब हम लोग एक आपको मैं पहले कुछ देखिए डेटा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये देख लीजिए, ये एक डेटा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने निफ्टी का परफॉर्मेंस निकाला है बजट में, कि हर साल जब बजट आता है तो मार्केट उस पर्टिकुलर डेज पे कितने परसेंट मूव करता है। तो अभी हम ये पुराने डेटा को छोड़ देते हैं क्योंकि पुराना डेटा इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। हम लेटेस्ट डेटा को अगर समझें तो 2017 से समझते हैं, तो 2017 को अगर आप देखेंगे तो मार्केट, आई डोंट थिंक कि आपको अगर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मैं ये सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो ये डेटा जो है वो इसी तरह का डाउनलोड हुआ है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं मिला है डेटा। तो अगर आपको ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। तो 2017 को मार्केट ने 1.81% मूव किया था, देन 2018 के फर्स्ट फेब को मार्केट 0.10% मूव किया था, 2019 को मार्केट 0.58% मूव किया था, फिर 2020 को मार्केट 2.5% मूव किया था, 2021 फर्स्ट फेब को मार्केट 4.75% मूव किया था, एंड मार्केट ऑन द लास्ट ईयर फर्स्ट फेब को 1.37% मूव किया था। ये मैं आपको निफ्टी का डेटा बता रहा हूँ। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का डेटा बता देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में मार्केट ने 2017 को 2.59% मूव किया था, 2018 में 0.58% मूव किया था, 2019 में 0.77% मूव किया था, 2020 में 3.28% मूव किया था, एंड द फर्स्ट फेब 2021 को मार्केट 8.26% बैंक निफ्टी मूव किया था, एंड विच इज़ अ रियली रियली ह्यूज, एंड ऑन द फर्स्ट फेब 2022 को मार्केट 1.40% मूव किया था, राइट? अब आपने ये समझ लिया। देखिए ये चीज़ मैं आपको बताने के रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये है, मैंने इंडिया विक्स का चार्ट खोला हुआ है कि हर एक्सपायरी हर बजट डे के दिन मार्केट में कितने परसेंट विक्स ऊपर या नीचे जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं सिर्फ 2017 से नहीं दिखा रहा हूँ आपको, 2011 से लेके 2022 का, मतलब आपको टोटल 11 इयर्स का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, और हर एक्सपायरी के दिन मार्केट में जो विक्स का क्रैश है वो ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी, बाइंग स्ट्रैटेजी जहाँ पे आप ऑप्शन बाय करके काम करते हैं, वो आपके लिए मोस्ट लाइकली लॉस आपको दे सकती है। हो सकता है एट अ मोमेंट आपके ट्रेड करते ही कुछ मोमेंट आ गई तो आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो प्रॉफिट आपका होना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे देखिए ना, अगर आप एक स्ट्रैडल बाय करके जाएंगे तो उस दिन विक्स 16% 17% गिरेगा 2017 में, 2018 में मार्केट 11% गिरा, 2019 में मार्केट जो विक्स है, मैं विक्स की बात कर रहा हूँ, 8% 8.19% गिरा, फिर 2020 में 3% गिरा, 2021 में 7.97% गिरा, 2022 में 9% गिरा। तो अब देखिए अगर आपको ये आपने ये विक्स देख लिया तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि अगर आप ऑप्शन बाय करके काम करेंगे तो आपको मोस्ट लाइकली लॉस होने वाला है, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बना के काम कर रहे हैं तो। तो यहाँ पे सबसे सेफ स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे सेफ स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्ट्रैडल ही बन के आती है, जहां पे आप एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करते हैं, तो वही सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रैडल आपको किस तरह से सेल करना है, वो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे मैंने डेटा दिखा दिया कि मार्केट अगर किसी स्ट्रैडल में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दो बेनिफिट हैं जो आपको कल दे सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि मैं पे सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रैडल बना देता हूँ सो दैट कि आपको स्क्रीन पे बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे सेकेंड फेब डाल देता हूँ, मैं एक स्ट्रैडल सेल करूंगा, अभी मार्केट चल रहा है। देखिए ये स्ट्राइक प्राइस चेंज हो सकती है, मैं सिर्फ अभी क्या स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि आपको, एक सेकेंड मुझे ये स्ट्रैडल पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉल एंड पुट के प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं कुछ आसपास का प्रीमियम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ये वाली स्ट्राइक प्राइस सेल करूंगा और ये वाली स्ट्राइक प्राइस 40,900 का मैं सेल करूंगा।
अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये डिफरेंस क्यों है, क्यों देखिए यूजली ये डिफरेंस तब आता है जब फ्यूचर एंड स्पॉट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तब ये डिफरेंस आता है। तो आपको क्या करना है, आपको वही ऑप्शन सेल करने हैं जिनके प्रीमियम ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास हो। ठीक है, स्ट्रैडल तो बना लिया। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी क्या करना है, आपको एसएल लगाना है, क्योंकि मैंने आपको डेटा दिखा दिया कि ऑन द बजट डे मार्केट यूजली ट्रेंडिंग रहता है, ट्रेंडिंग रहता है, तो हमें एसएल लगाना जरूरी, क्योंकि हमने स्ट्रैडल सेल किया है विच इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। तो हमने स्ट्रैडल सेल किया है, तो आपको 30% का एसएल लगाना है दोनों लेग में, और किसी भी एक तरफ का एसएल हिट हो जाए, किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक तरफ का स्ट्रैडल हिट हो जाए तो आपको जो दूसरे साइड का एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना है, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे एक कैच ये भी आता है कि आप पूछेंगे कि अगर एक तरफ का स्ट्रैडल हिट हो गया, एक तरफ का एसएल हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट रिवर्स आता है तो क्या करना है, ध्यान से रखिएगा। मैंने कल जो लास्ट अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बोला है कि री एंट्री करना है। तो अगर मार्केट आपके फिर से स्ट्रैडल पॉइंट पे आता है तो आपको फिर से एक स्ट्रैडल बना देते हैं ना, फिर से 30% का स्टॉप लॉस लगा देना है, सिर्फ यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं प्रीमियम भी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, सो दैट कि आपको सारी चीजें बहुत ईजिली समझ में आ सके कि मैं 520 आपको प्रीमियम मिला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1.3 करेंगे तो हमारा 30%, मतलब कॉल साइड में हमारा जो एसएल होगा वो 676 के आसपास होगा, और पुट साइड में 462 मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाई 160, तो पुट साइड में जो हमारा एसएल होगा वो 600 का एसएल होगा। अगर ये एसएल हिट करने के बाद मार्केट फिर से आपके स्ट्रैडल पॉइंट पे आता है, जिस लेवल, जिस पॉइंट पे आपने स्ट्रैडल बनाया है उसी पॉइंट पे दोबारा से आता है, आपको फिर से ये स्ट्रैडल को रिक्रिएट कर देना है विद द 30% एसएल, सिर्फ यही करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देके चली जाएगी। अब आप पूछेंगे ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देके क्यों चली जाएगी, पहली बात तो मैंने ऑलरेडी बैक टेस्ट किया हुआ है और ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, 2017, 18, 19 एंड 2021 ये और 22, ये टोटल 6 साल का मैंने बैक टेस्ट किया हुआ, 6 पूरे 6 साल में हर बार ये स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट दिया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बैक टेस्ट खुद से भी करके देखिएगा, यही आपका होमवर्क भी रहेगा आज के लिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट क्यों देगी, फिर से स्क्रीनशॉट को जरा सा देखिएगा, तो ये जो इंडिया विक्स में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इंडिया स्ट्रैडल सबसे ज्यादा प्रॉफिट तभी देता है जिस दिन विक्स में करेक्शन आता है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्ट्रैडल अगर आप बनाते हैं मार्केट साइडवेज रहता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट कोई एक डायरेक्शन में जाता है तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस दिन, उस पर्टिकुलर डे के दिन जो इंडिया विक्स है वो यूजली ऐसा, हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि उस दिन क्रैश करेगी, राइट? तो क्योंकि बजट के आने से पहले मार्केट में एक अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे ही बजट आ जाता है तो मार्केट में एक सर्टेन चीजें डिसाइड हो जाती हैं, तो उसके बाद जो मार्केट की वोलेटिलिटी है वो काफी हद तक नीचे चली जाती है, तो वोलेटिलिटी नीचे जाने की वजह से इंडिया विक्स क्रैश होती है, और इंडिया विक्स क्रैश होने की वजह से ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो भी क्रैश होते हैं। तो जो अगर आप स्ट्रैडल सेल करते हैं तो उसका जो प्रीमियम है वो भी बहुत हैवीली क्रैश होगा, और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफी हाई है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये स्ट्रैडल आपको बनाना कितने बजे। देखिए यूजली मैंने क्या, जो बैक टेस्ट मैंने किया है वो अराउंड 10 o'clock पे बैक टेस्ट किया है, और मैं खुद भी प्रेफर करूंगा कि मैं 10 बजे के आसपास ही ये स्ट्रैटेजी को बनाऊं, क्योंकि एक बार बजट स्टार्ट हो जाएगा, यूजली क्या होता है कि आपका बजट 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म हो जाता है, तो जो इंडिया विक्स के हाइप है वो 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो इंडिया विक्स है वो क्रैश होना शुरू हो जाती है 11 बजे के आसपास, तो आपको थोड़ा सा पहले ही अपना स्ट्रैडल बना लेना है, सो दैट कि जैसे ही विक्स गिरना शुरू करे उसके बाद आपको वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आप वो उस दिन कैप्चर कर सके, राइट? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका आप बैक टेस्ट करके जरूर से देखिएगा, तभी आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आएगी और आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर पाएंगे, राइट? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।